भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। अक्टूबर सीरीज का आगाज आज, तो हमने सोचा आपके साथ ही किया जाए क्योंकि आप ही पिछली सीरीज में लगातार कह रहे थे जब लोग डरे हुए थे कि खरीद लीजिए, तेजी कर लीजिए, सिप करिए, पैसा बनेगा। दिवाली एक छोटी वाली तो हमने देखी पिछली सीरीज में, अब बड़ी दिवाली की तैयारी है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी, हर्षिता को भी। और देखिए एक हफ्ते में कितना बदलाव आ जाता है। 10-700 पे सब बेचने वाले आपके ट्रेडर्स अब बोलते हैं 11-700 पे खरीद लो, तो देर इज नो इजी मनी। और मैं इसलिए इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि बने रहिए, इंडिया की जो शेयर मार्केट है वो ऐसा रिटर्न देगी अगले 2 साल में कि आप और मैं देखते रह जाएंगे। तो अगली दिवाली 14,000-12,000 तो आया गया आया इस दिवाली पे। और इस कारण से हम आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते में कितने मैक्रोज और कितनी जो पेसिमिज्म थी वो ऑप्टिमिज्म में अब धीरे धीरे बदल रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जो जिन्होंने नुकसान देखा, जो बैठे रहे, वो ही नफा देखेंगे। नया आदमी नहीं आ सकता इतनी बड़ी तेजी में एक हफ्ते के बाद। हेंस आई एम वेरी वेरी बुलिश। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगले 2 साल शायद इंडिया की स्टॉक मार्केट के लिए और मैक्रोस के लिए विल बी द बेस्ट एवर। कंपनियों की बात कर रहे थे भसीन साहब, यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन और सबसे ज्यादा खबरें आ रही हैं, और ये सेक्टर आप भी काफी क्लोजली वॉच करते हैं, आपने भी कई बार ऐसे तगड़े डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक सुझाए हैं। इन खबरों के बीच अपॉर्चुनिटीज कहां पर है? आज देखिए एनएमडीसी की खबर एक्सक्लूसिव लक्ष्मण रॉय दे रहे हैं, एनटीपीसी पर सीएलएसए की एक बड़ा बाय कॉल आया है, बाकी सरकारी कंपनियों में कल परसों से काफी तेजी बनती दिखाई दी है। तो हर्षिता सिंपल चीज है, सीपीएसई ईटीएफ अभी कोई जिक्र कर रहा था, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। उसमें अभी भी मैं कहता हूं एक सिप कीजिए। बाय द वे हर्षिता, हमारा सिप जो 12 हफ्ते का था उसमें 10 हफ्ते पूरे हुए हैं, अभी 2 हफ्ते हैं और वो अब बहुत अच्छा डीप इन द मनी हो गया है। लेकिन सीपीएसई ईटीएफ में आप मिस नहीं कर सकते। एचपी, बीपी, आईओसी, गैस यूटिलिटीज, गेल, आईजीएल, एमजीएल, इन पे हम ओवरवेट हैं। ONGC, NTPC, कोल इंडिया आर ज्वेल्स इन द क्राउन, जिनमें जिनमें डिविडेंड यील्ड्स ही आपको 6-7% है। और आपने एनएमडीसी का जिक्र किया, लेकिन आम निवेशक को 2-4 स्टॉक्स पकड़ता है तो उसको समझ नहीं, तो आई थिंक द सीपीएसई ईटीएफ बास्केट विल डू एक्सट्रीमली वेल। से लगातार सीएनबीसी आवाज पर हम लोग आपको बता रहे हैं कि सीपीएसई ईटीएफ का बास्केट खरीदिए। भसीन साहब भी देखिए आपसे लगातार यही कह रहे हैं कि खरीद लीजिए। आशीष चतुर्मोता जी ने भी देखिए कल आपसे कहा था खरीदिए, बढ़िया पैसा देखिए यहां पर आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो नोट कर लीजिए सीपीएसई ईटीएफ आपको खरीदना ही है। और एक नया ट्रांच भी देखिए अब आएगा कुछ ही दिनों में, अक्टूबर में, सीपीएसई ईटीएफ का। और आज की बैठक सबसे इंपॉर्टेंट है, निर्मला सीतारमन जी ने जो सब लोगों को बुलाया है, जो अभी अभी सीएनबीसी आवाज ने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी है, देखिए इस बैठक के बाद यही निकल कर आएगा। केपेक्स भी करिए, डिविडेंड भी दीजिए जिनके पास केपेक्स नहीं है। तो डिविडेंड यील्ड ये वो चीज है, ये वो मधुर आवाज है जो लोगों के अब कानों में देखिए गूंजने लगेगी, ये म्यूजिक है दरअसल। और यही हम पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे कि डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स को भूलिएगा मत, जो कंपनियां बढ़िया पैसा बना रही हैं उनके ऊपर नजर जरूर आपकी होनी ही चाहिए। और डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स ने थोड़ी सी पेशेंस भी टेस्ट की है। पिछले बार जब बाजार में एक्सट्रीम मंदी की सब लोग चर्चा कर रहे थे, सब लोग यही कह रहे थे कि हमने इतने अच्छे डिविडेंड यील्ड शेयर हाथ में पकड़ के बैठे हैं, लेकिन वहां पर कुछ एक्शन बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब एक्शन की शुरुआत होगी तो उस पर भी आपने फोकस करना है। अच्छा, एक तो बात करी हमने पीएसयूज की, और दूसरी बात भसीन साहब हमने आपके आने से पहले करी लॉजिस्टिक सेक्टर की, और ये 2 सेक्टर लगता है कि बढ़िया कमाल दिखाएंगे आज। आज भी देखिए खबरें ये आई है कि 3 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है, पीएमओ ने बुलाया है सबको और कहा है कि इसके ऊपर तेजी से काम किया जाए। एफडीआई भारत में आएगा तो उससे पहले लॉजिस्टिक्स सेक्टर का सही होना काफी जरूरी बताया जाता है, क्योंकि यहीं पर तो देखिए वेयरहाउसिंग होने वाली है। ये बताइए इस सेक्टर पर आपका व्यू क्या है? ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वो फ्लोट भी कर दिया है, और ये एक्सपोर्ट को बूस्ट डोज देने के लिए इस सेक्टर के ऊपर काफी दारोमदार है। ये सेक्टर आपको कैसा लगता है, और इसके भीतर कोई अगर शेयर आपको पसंद हो तो बताइए। तो हेमंत, पहली बात तो ये है, देखिए ये सेक्टर में बहुत चाहत आई थी जब ई कॉमर्स पे और आपका काफी दारोमदार आया था, और आपने जीएसटी किया था जो सिंगल टैक्स है। इसका मतलब सारा कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक जगह रख सकता है रादर देन हैव डिस्पर्सल ऑल ओवर, तो जीएसटी का लाभ उठाने के लिए। लेकिन इट हैज बीन अ लैगार्ड सेक्टर, जैसे मिड कैप्स रहे हैं। और इसलिए हेमंत मैं यहां दावे से कहता हूं कि मिड कैप्स में जो अंडर परफॉर्मेंस हमने 2017 से देखा है वो 2020 में ह्यूज आउट परफॉर्मेंस बनेगा।
लॉजिस्टिक्स में आपने देखा है गवर्नमेंट हिस्सेदारी बेच रही है कॉनकॉर में, तो कॉनकॉर हमारा एक एज अ डिस्क्लोजर हमारी बाय लिस्ट में है, हमारा ओनरशिप है उसमें और हम सोचते हैं वो एक लीड एग्जाम्पल है। लेकिन उसके अलावा गटी लॉजिस्टिक्स, आप एकाध सिकल लॉजिस्टिक्स, ऐसे जो शेयर हैं जिनमें लिक्विडिटी छोटी है, जब आप एंटर करते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, जब निकलना चाहें तो, लेकिन एज अ स्पेस ये बहुत अच्छा है जो आपने कहा। लेकिन अंडरलाइन यही आता है हेमंत कि अगर आप मिड कैप्स में हैं तो बने रहिए, और अगर रह सकते हैं तो जहां कन्विक्शन है वहां बनिए, क्योंकि 2020 में मिड कैप्स विल गिव यू, दे विल आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स बाय माइल्स। तो दोस्तों अगर आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट खुलाना चाहते हैं और आप डिस्काउंट ब्रोकर से भी कम प्राइस में फुल टाइम सर्विस ब्रोकर का लाभ उठाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाइए लिंक पे क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट खुलवाइए। भसीन साहब ये सेक्टर तो भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, और आप कह रहे हैं कि आपको अगर इस सेक्टर को खेलना है तो इस ETF के सूचकांक से खेलना चाहिए, यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। कोई परसेंटेज टर्म्स में कितना आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है भसीन साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जाए इस ट्रेड से, CPSE ETF वाले ट्रेड से? सर मैं सोचता हूँ अगले 3 साल में ये 50% अप्रिसिएशन दे सकता है, और वो स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, यू आर गेटिंग अ बास्केट ऑफ द बेस्ट PSUs जहां पे एक भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट विल सी री रेटिंग ऑफ द इंटायर बास्केट, और इस कारण से आई वोंट गो सिमिलरली इन NDMDC और द अदर्स, बट आपने देखा है BPCL इज हिटिंग ऑल टाइम हाईज, न्यू हाईज, जबकि इतनी पेसिमिज्म थी। तो अगर आप CPSE ETF लेते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू ओन। हेमंत यहाँ आउट परफॉर्मेंस हम नहीं कर रहे क्योंकि नॉर्मल पब्लिक ये रोज के रोज नहीं कर सकती, उनको एक अच्छा एवेन्यू चाहिए जहां पैसे लगाए और अगले 3-4-5 साल में वो स्टडी रिटर्न्स दें। तो आई वुड से 3 साल में आपको 50% रिटर्न मिल सकता है इफ यू इन्वेस्ट इन सेलेक्ट PSUs। ऑयल एंड एनर्जी, ऑयल एंड गैस यूटिलिटीज आउट परफॉर्मर्स हैं, और बैंक्स में जो मैंने आपको नाम लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक और PNB, ये एक वैल्यूएशन वो है, आपके पास वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो आई थिंक द होल बास्केट विल आउट परफॉर्म। इस कारण से बाइंग अ बास्केट ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज मोर बेटर, के यू गेट अ बेटर यू नो पार्टिसिपेशन। तो ये एक और थीम है जिसका जिक्र हम कल से ही कर रहे हैं, वो है फेस्टिवल थीम, और देखिए जिस तरह से बड़े बड़े सेल लगेंगे, और कल से ही देखिए बात हो रही है बिग बिलियन सेल की, अमेजोन वाले सेल की, ये बताइए आप किस तरह से इस सेल वाली थीम को प्ले करना चाहेंगे भसीन साहब, क्योंकि डिमांड तो देखिए बहुत अच्छी होने वाली है, सरकार अब मेले लगा रही है, कल भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी देखिए जो आश्वासन दिया है कि वो भी आगे आकर इन मेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कौन से वो स्टॉक्स हैं या फिर कंपनियां जिनको दरअसल लाभ होने वाला है इस इन मेलों से, लोन वाले मेलों से? तो देखिए तीनों चीजें, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, यहाँ तीनों में आपको अच्छी उछाल देखेंगे। ऑटो में आपको पता है ये श्राद्ध के दिन कल खत्म हो जाएंगे और परसों से पहला नवरात्रा है, और मुझे जहां तक ग्राउंड लेवल पे है लोगों ने काफी सारी बुकिंग करा दी है, बट बुकिंग विल मटीरियलाइज इन टू सेल्स ऑन द लास्ट ऑन संडे, और आई थिंक द लास्ट 3 days ऑफ दिस मंथ विल बी इक्विवेलेंट टू द होल ऑफ लास्ट मंथ ऑन द ऑटो साइड। तो सेलेक्ट ऑटो, सेलेक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनमें ध्यान कीजिए। इनमें अगर मैं नाम सजेस्ट करूं, अशोक लीलैंड, मारुति, महिंद्रा, अपोलो टायर, हीरो मोटोकॉप, हैवल्स, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये शेयरों में तेजी आनी चाहिए। और उसके अलावा आपने जो FMCG में देखेंगे तो आई थिंक ITC एंड नेस्ले, ये दोनों भी वहाँ काफ़ी गेन करेंगे। नेस्ले एज अ डिस्क्लोजर आउट परफॉर्मर है, हमारी ओनरशिप में है विद ITC, और हम सोचते हैं कि दीज कैन कंटिन्यू टू गेन मोर मार्केट शेयर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपने इस लिस्ट में वी गार्ड का नाम नहीं लिया, मुझे लगता है कि अगर मुझे हेमंत की टीम से आज चुनना हो तो ये मेरा एक चॉइस होगा, ये मेरा फंडा स्टॉक भी रहा है और काफी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए जब आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर रहे हैं, ये ड्यूरेबल्स को मोटे तौर पे स्टेबिलाइजर सप्लायर के तौर पे जाने जाते हैं, उसके बाद काफी सारे और प्रोडक्शन इन्होंने शुरू किए हैं, ये स्टॉक बेहद इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप इस पे रिसर्च रखते हो भसीन साहब क्या कॉल देंगे? हाँ मैंने ओमिट कर दिया, बट वी गार्ड एंड बजाज इलेक्ट्रिकल्स आर अगेन टू स्टॉक्स विच वी आर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव ऑन।
वी गार्ड इज नॉट इन आर कवरेज बट आई थिंक इट्स अ पेडिग्री मैनेजमेंट, उन्होंने मार्केट शेयर उनके, बट बजाज इलेक्ट्रिकल ऑल्सो इज अनदर सिमिलर प्ले ऑन द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स परेशान है स्टॉक मार्केट में उन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जो बार बार क्रैश हो जाते हैं और फुल टाइम सर्विस ब्रोकर का फैसिलिटी भी नहीं देते हैं, काफी हाई ब्रोकरेज चार्ज करके भी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ कि आपको एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट खुलवाना है दोस्तों। ये आपको दोस्तों जीरोधा से ₹5 सस्ता पड़ेगा, जहाँ जीरोधा पर ट्रेड के ऊपर आपको ₹20 चार्ज करता है दोस्तों। एंजल ब्रोकिंग आपको चार्ज करेगा केवल ₹15 और दोस्तों यहाँ पे आपको फुल टाइम सर्विस ब्रोकर की सर्विस भी मिलेगी, मतलब कि दोस्तों आपको 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, आपको 30 साल का ट्रस्ट मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको स्टॉक्स की एनालिसिस भी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और आप डिस्काउंट ब्रोकर से भी कम प्राइस में फुल टाइम सर्विस ब्रोकर का लाभ उठाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाइए लिंक पे क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट खुलवाइए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपनी 10 मिनट की एनालिसिस जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों पैसे आपके हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी किसी स्टॉक में खरीदने या बेचने की। धन्यवाद।